अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बना रहे हैं राइस विद पास्ता। बहुत आसान सी डिश है। अच्छा, ये इंग्लिश खानों में चाइनीज़ के साथ, जिस दिन आपका बहुत ज़्यादा कटिंग का मूड नहीं है, उस दिन आप बहुत आराम से राइस विद पास्ता बना सकते हैं चाइनीज़ के साथ। कोई भी इंग्लिश डिश हो, स्टगनॉफ हो, कोई रोस्ट हो, आप उसके साथ इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। दाल चावल, दाल बना रहे हैं उसके साथ, ये चावल बहुत मज़े के लगते हैं। और मैं इस बार चाइनीज़ के साथ बना रही हूँ, बीफ एंड चिली के साथ। तो इसमें हम डालेंगे एक कप, ये देखिए ये पास्ता है, मुर्ग मार का कहलाता है हमारे पाकिस्तान में, बारीक वाली वर्मसलीज हैं पास्ता की, ये हम यूज़ करेंगे। इसको फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे, हल्का हल्का कलर आना तो शुरू हो गया, तेज़ आँच पे फ्राई करेंगे। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। मैंने 3 कप्स राइस लिए हैं, तकरीबन 3 पाव, उसके अंदर मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये पास्ता डाला है। पास्ता फ्राई हो रहा है, इतनी देर में हम चावल छान लेते हैं। पास्ता का और राइस का जो कुकिंग टाइम है वो एक ही है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पानी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही टाइम में कुक हो जाते हैं। देखिए ये लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा और हम कलर देंगे। आगे हमने अपने सोफ ड्राई इसके अंदर डाल दिए, उसके साथ में डालूंगी इसमें तकरीबन 5 कप पानी। तीन कप राइस में 5 कप पानी डालूंगी, ये थोड़े से किले किले बनते हैं। दूसरा तरीका जो पानी जज करने का है वो ये है कि इससे आधा पोर ऊपर हो। इसके साथ में डालूंगी चिकन पाउडर, दो टेबल स्पून। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। सिरका 2 टेबल स्पून। सिरका हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि चावल एक दूसरे से जुड़े ना, और उसके साथ नमक डालेंगे हम 1 टीस्पून। चावल को उबाल का इंतज़ार करेंगे, उबाल आएगा तो हम इसको दम दे देंगे। ये देखिए नाज़रीन, चावल का पानी 5 मिनट में खुश्क हो चुका है, अब मैं इस पर ढक्कन लगा के इसको 15 मिनट के लिए दम करती हूँ।